आगामी विधानसभा चुनावों के लिए भाजपा संगठन को मजबूत करने में जुटी है। इसी कड़ी में शिमला संसदीय क्षेत्र का त्रिदेव सम्मेलन सोलन में आयोजित किया गया, जिसमें केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर उपस्थित रहे, तो वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी इस दौरान विशेष रूप से उपस्थित रहे हैं। इसके अलावा भाजपा के कई नेता सहित पार्टी की रीढ़ त्रिदेव बड़ी संख्या में उपस्थित रहे और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने बताया कि केंद्रीय योजनाओं का हिमाचल प्रदेश के सही से क्रियान्वयन हो रहा है, वो इस मर्तबा हिमाचल में रिवाज जरूर बदलेगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कृषि के लिए चलाई जा रही योजनाओं से देश भर के किसानों को लाभ मिल रहा है और किसानों की आमदनी दोगुनी ही नहीं कई गुना तक बढ़ी है। जल्द ही इसके आंकड़े सबके सामने प्रस्तुत किए जाएंगे। हिमाचल राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारे मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में राज्य की योजनाओं का भी संचालन सफलतापूर्वक किया जा रहा है और केंद्र सरकार की योजनाएं भी आम व्यक्ति तक पहुँचें, इसके लिए जयराम ठाकुर सरकार ईमानदारी के साथ 4.5 बरस से काम कर रही है। हर बूथ पर त्रिदेव हैं। आज 6,100 से अधिक कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। ये सारे के सारे जब अपने बूथ पर लगेंगे तो फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल में बनेगी। संगड़ाह में नागरिक उपमंडल संगड़ाह के अंतर्गत आने वाली गनोग पंचायत के गांव मुलाड़ में गुरुवार को कांग्रेस मंडल इकाई द्वारा प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष विनय कुमार की मौजूदगी में पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की जयंती मनाई गई और इस मौके पर आयोजित विकास दिवस एवं श्रद्धा सभा समारोह में विनय कुमार के अलावा कांग्रेस रेणुका जी, मंडल अध्यक्ष तपेंद्र चौहान, युंका संसदीय क्षेत्र सचिव एवं प्रधान परिषद संगड़ा के अध्यक्ष वीरेंद्र बिट्टू, स्थानीय पंचायत के प्रधान राजेंद्र सिंह व बलवीर सिंह, दुर्गा राम शर्मा, उजागर सिंह, राजेंद्र शर्मा, ओपी ठाकुर, विनोद तेजेंद्र ठाकुर व गोपाल आदि पंचायत प्रतिनिधियों व कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए और इससे पहले कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष एवं स्थानीय एमएलए विनय कुमार की गांव में पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं के द्वारा पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया गया और उनके समर्थन में नारेबाजी भी की गई है। और ये लड़कियां भागी हो।